हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं मुनमुन स्वागत करती हूँ फिर से आप सभी का हमारे चैनल मुनमुन क्रिएटिविटी में। फ्रेंड, जन्माष्टमी डेकोरेशन के लिए यहाँ पर मैंने ले रखा है एक चार्ट पेपर और उसके ऊपर मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक कमल का फूल। साथ में मैंने ले रखा है क्रैप पेपर, जिसकी सहायता से आज हम इस कमल के फूलों में रंग भरेंगे। सॉरी, फूलों में नहीं, फूल में रंग भरेंगे। जैसे कि आजकल सब जगह पे कमल का फूल चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस जन्माष्टमी पे मैं अपने जो कान्हा जी का बैकड्रॉप है वो कमल के फूल से ही उनका जो डेकोरेशन है वो करूं। और फर्स्ट टाइम ही पेपर क्राफ्ट का काम कर रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी काम नहीं किया, जस्ट ट्राई किया, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक चार्ट पेपर था, काफ़ी मजबूत है। अगर आप ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं तो कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कमल का फूल आप देख सकते हो मैंने ड्रॉ कर लिया है, और जो बीच में मैंने सर्कल किया है वहाँ पर कुछ इस तरीके से आप इसे किसी पेंसिल की सहायता से मदद से कुछ इस तरीके से आप बस रैप करिए उसे और ग्लू की सहायता से चिपका दीजिए। बहुत इजी है, ट्विस्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है, पेंसिल में उस कागज़ को रखना है, ट्विस्ट करना है और चिपकाते जाना है। तो मेरे पास ये पहले से ही एक टूल रखा हुआ है जो कि हम क्राफ्ट में यूज़ करते हैं, तो उसी की सहायता से मैं इस पर चिपका रही हूँ। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है और आप ऐसा कुछ बनाना चाहती हैं तो पेंसिल जो होती है उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, जो पीछे का हिस्सा होता है उसकी सहायता से। तो हमारा जो कमल का फूल था उसका बीच का हिस्सा जो था वो मैंने येलो कलर से कंप्लीट कर दिया है, और जो उसकी पंखुड़ियां हैं हम उसे गुलाबी कलर से करने वाले हैं। तो बस जितने भी मैंने ड्रॉ किया है, डिज़ाइन जो ड्रॉ किया है उसको कुछ इस तरीके से पेपर की सहायता से हम भर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐसा कोई मेज़रमेंट नहीं रखा है, जस्ट पेपर जितना भी फोल्ड हुआ उतना मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में उसे कट कर लिया है। आप इसे 2x2 का भी ले सकते हैं या 1x1 का भी ले सकते हैं, मतलब 1 इंच चौड़ाई में 1 इंच लंबाई में। तो इस तरीके से आप कट करके पीस कर लीजिए और इस तरीके से आप चिपका लीजिए। अब इसका जो साइड हिस्सा बचता है वहाँ पर मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ। एक्चुअली करना कुछ और चाहती थी, पर बोलते हैं ना भगवान जी को कुछ और ही मंजूर था। मैंने कुछ और ही सोच के रखा था डिज़ाइन, पर बन कुछ और गया। तो कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा कुछ बनाते हैं, कलर करना चाहते हैं, तो पहले कलर कर लीजिएगा जो उसका साइड का एरिया है, पहले उसे कलर कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप ये जो मुझे अभी थोड़ी सी परेशानी हो रही है कागज़ को हटा हटा के मुझे कलर करना पड़ रहा है, तो ये आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पहले मैंने कुछ और सोचा था तो वो थोड़ा चेंज हो गया था। तो बस कुछ नहीं, अब जो हमारा चार्ट पेपर था, जो साइड साइड से हिस्सा जो मेरा बचा हुआ था उसे मैंने ग्रीन कर दिया और इसे अब रख दिया। अब ये बैकड्रॉप हमारा बन के रेडी है। अब नेक्स्ट डे मैं यहाँ पर ये दो रोल ले रही हूँ, जो कि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेरा अभी शिफ्टिंग हुआ था, तो ये इस तरह के मेरे पास कुछ रोल मुझे मिल गए थे तो मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया था। तो आज इसकी मदद से ही एक बहुत ही सुंदर सा क्या बना रही हूँ मुझे खुद नहीं पता, लेकिन जब बन गया तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसा भी कुछ बना सकती हूँ, तो बड़ी खुशी मिल रही थी। तो मैंने उसको वाइट कलर से पेंट करके सूखने के लिए छोड़ दिया। तो जब तक वो सूख रहा है तब तक हम दूसरा एक और DIY कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्रबर लिया है, स्पंज लिया है, उसमें मैंने सुई रखी, और जो रात को मैंने फ्लावर बनाया था, कमल के फूल बनाए थे, वो टुकड़े बचे हुए थे उसके, तो मैंने उनको क्या किया, सुई में कुछ इस तरीके से सुई को स्पंज के ऊपर रखा और 1x1 इस तरीके से उस पेपर को फोल्ड करती गई और उसके अंदर डालती गई सुई के अंदर। फिर उसके बाद हम सुई का जो एक हिस्सा है, पीछे का हिस्सा है, उसके पीछे हम यहाँ पर घंटी बांधेंगे। ये आपको किसी भी क्राफ्ट के दुकान पर इजीली और बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगा। आप ये माला जो होती है, जो घंटी वाली होती है, आप मार्केट में लेने जाइए, आपको 150 रुपये जोड़ी ऐसे मिलेगा। लेकिन आप अगर इजीली घर पर इसे आराम से बना सकते हैं, बहुत ही कम, मतलब उसके आधे प्राइस में आप इसे बना सकते हैं।
तो बहुत आसान होता है ये सारा चीज़ बनाना। तो मैंने देखिए घंटी लगाया, फिर वो कागज़ डाल दिया, फिर मैंने इसमें कुछ गोल्डन बीड्स मोती डाली, और अब मेरे को थोड़ा वाइट कलर चाहिए था, तो मेरे पास वाइट पेपर नहीं था। तो मैंने क्या किया, जो अपना नैपकिन पेपर होता है जो मैं हमेशा क्राफ्ट के लिए एक रोल रखती हूँ, तो मैंने वो लिया और कुछ इस तरीके से सेम उसी तरीके से पीस कट करके निकाल लिए। जिस तरीके से हमने पिंक वाला पेपर सुई के अंदर डाला था, उसी तरीके से हम वाइट वाले भी पेपर इसके अंदर डालेंगे। और एक मतलब माला हमें रेडी करनी है, तो बहुत आसान है। आप देख सकते हो कितनी अभी से इतनी खूबसूरत लग रही है, तो जब हम इसे बनाकर हम लगाएंगे किसी जगह पर, तो वो कितना खूबसूरत देखेगा ये आप खुद सोच सकते हो। तो बस इस तरीके से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पर लास्ट में एक छोटू सा बेल की तरह ही है, घंटी की तरह, उसे भी मैंने लगा दिया। तो इस तरीके से मैं दो पेयर बनाऊँ, मतलब दो पीस बनाऊँगी। उसके बाद यहाँ पर फिर से मैंने अपना नैपकिन पेपर लिया है, तो कुछ इस तरीके से मैं 2, 4, 6, 7, 8 पीस लूँगी, लेकिन उसकी जो लंबाई है कुछ इस तरीके से मैंने रखी है, बीच में से मैंने अलग नहीं किया है, तो इस तरीके से हमें रखना है। उसके बाद सबको समान तरीके से रखने के बाद, लाइक हम बचपन में जैसे पंखा बनाते थे ना, बस हमें उसी तरीके से यहाँ पर अभी पंखा बनाना है। पहले एक बार फोल्ड किया, फिर उसके बाद अपोजिट साइड में फिर फोल्ड किया, फिर अपोजिट साइड में फिर फोल्ड किया। इस तरीके से हमें फोल्ड करते जाना है, जैसे हम बचपन में पंखा बनाते थे। तो भाई पंखा तो बन गया हमारा, अब इसको बीच में से फोल्ड कर दिया, और करने के बाद सुई में धागा पिरोया है और उसको आर पार कर देना है, और इसको बीच में से बांध देना है। बहुत आसान तरीका है, बहुत सुंदर बनने वाला है, आप खुद देखना अभी। तो इस तरीके से इसको मैंने कर दिया, और इसके जो दोनों साइड है वहाँ पर कुछ इस तरीके से हम कट करेंगे लाइक पंखुड़ी की तरह, और फिर उसको हम खोलेंगे। खोलने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और दिखने के बाद इसमें एक एक परत हमको उठाते हुए जाना है। तो यहाँ पर चार परत हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला वाला मैं एक एक करके उठा रही हूँ। जैसे ही वो एक कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा वाला उठाएंगे, तीसरा वाला उठाएंगे, और चौथा वाला उठाएंगे, और बस बन गया आपका एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा फ्लावर। मतलब एक नैपकिन पेपर से इतना सुंदर सा फ्लावर बन सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन जस्ट बन गया और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये भाई देखिए यूट्यूब की मेहरबानी है, उसी से ही मैंने सीखा है। और इंसान देखिए जहाँ से उसको सीखने को मिल जाए वहीं से उसको ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, बोलते ना गुरु बिना ज्ञान नहीं, तो ज्ञान हर जगह बट रहा है, बस उसे लेने की देरी होती है। तो बस मैंने यूट्यूब से ही इस पेपर क्राफ्ट का जो आइडिया था वो लिया और मैंने बना लिया। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर जो हमारा पेंट किया हुआ रोल था वो सूख चुका है, अब उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ लेस। तो लेस मैं कुछ इस तरीके से लगा रही हूँ, क्योंकि लेस मेरे पास ना थोड़ी कम है, तो इस तरीके से एक 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 करके लगाती हुई जा रही हूँ। और थोड़ी सी कंजूसी भी दिखानी है हमको, क्योंकि ये थोड़ी महंगी वाली लेस है, तो बस इस तरीके से इसको लपेट देना है। अगर आप ऐसा कुछ बनाते हैं तो आप कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चॉइस आपकी है। तो देखिए साल में एक बार जन्माष्टमी आती है, रोज़ रोज़ नहीं आती है, तो मेरे कान्हा जी का जो बर्थडे है वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट मैं करना चाहती हूँ और हमेशा करती भी हूँ। तो बस उसी तरीके से इस डेकोरेशन को पूरा कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर ले रखा है पेपर प्लेट, और जो हमारे रोल थे वो लेस लगाकर मैंने रेडी कर लिया है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको कर दिया। तो एक नीचे प्लेट लगाई, एक ऊपर लगाई, अब ऊपर वाले में हम थोड़ा सा ग्लू गन डालेंगे अपना, और जो एक और रोल हमने पेंट किया था उसको कुछ इस तरीके से हम चिपका देंगे। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या है। आप चाहें तो झूला भी बना सकते हैं इस तरीके से, पर मैं झूला नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे जो कानू बाबा है वो थोड़े से हैवी है, 6 इंच के हैं मेरे कानू बाबा, तो अगर मैं उनको इस झूले पर बिठाने जाऊँगी तो वो बैलेंस नहीं होगा, इसीलिए मैं झूला नहीं बनाऊँगी। तो अगर आपके कानू बाबा छोटे हैं 1 इंच के 2 इंच के, तो ये जो अभी आपके साथ मैंने शेयर किया है झूला, ये बहुत आराम से उसमें बैठ सकते हैं।
अब यहाँ पर जो घंटी थी वो घंटी मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा दूंगी दोनों साइड में, और ये जो मंदिर का सामने का पोर्शन होता है ना, समझ लीजिए वैसा ही मैंने इसको बनाने की कोशिश करी है। तो बस अब हम कर लेते हैं डेकोरेशन। तो मैं जस्ट आपको यहीं पर ही रख कर सारा क्रिएट करके दिखाऊंगी, क्योंकि देखिए मेरा जो डेकोरेशन होने वाला है वो आपको आने वाले टाइम में देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो जब भी आप करते हैं किसी टेबल के ऊपर या कहीं पर भी आसन बिछाते हैं, तो पहले पीला कपड़ा बिछाइए। ये अपनी अपनी चॉइस है, जो भी आप कलर कॉम्बिनेशन रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले पीला कपड़ा रखा, फिर एक मैंने ग्रीन कलर का थर्माकोल के ऊपर ही किया हुआ था वो रखा, फिर पीछे बैकड्रॉप रख दिया, और जो हमने बनाया है फूल का ये खम्बा जैसा वो रख दिया। अब ये जो आप चीज़ देख रहे हो ना, ये पैच है, ये आपको किसी भी जहाँ पर लेस वगैरह मिलते हैं ना वहाँ पर मिल जाएंगे। ये साड़ी पैच या ड्रेस पैच होता है वो है, और ये मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं तो मैंने उनका इस्तेमाल किया है डेकोरेशन के पर्पज़ से। और यहाँ पर जैसे कि कान्हा जी का सिंहासन रख दिया, कानू बाबा बिठा दिए, माखन चोर बिठा दिए, मैंने अपनी गौ माता रख दी, मोर पंख रख दिया। बस आपको एक जस्ट सिंपल सा डेकोरेशन करके दिखाया है। तो आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट में बताइएगा। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो कुछ इस तरीके से रहेगा इस बार का मेरा जन्माष्टमी का डेकोरेशन, और अभी तो इस पर बहुत कुछ बाकी है, जैसे कि लाइटिंग बाकी है, और जब मेरे लड्डू गोपाल वहाँ पर बैठेंगे तब उसकी बात ही कुछ और होगी। वैसे भी अभी माखन चोर बैठे हुए हैं, तो अभी भी आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसा भी कुछ बना सकती हूँ। तो जस्ट फर्स्ट बार मैंने ये ट्राई किया है पेपर क्राफ्ट्स का जो है वो इस्तेमाल करके, और जो भी चीज़ें हैं लाइक ये मटकी वगैरह सब ये मेरी पहले की करी हुई हैं। आपको मेरे चैनल पर इसका वीडियो मिल जाएगा, जो अपनी कुल्फी वाली मटकी होती ना उसी को ही बस डेकोरेट किया है। यहाँ पर कॉटन से जो फाइबर आता है, कॉटन फाइबर, उससे मैंने माखन का रूप दिया है। अभी थोड़ी बांसुरी टाइप या माखन के लिए जो एक स्टिक रहती है वो रह गई है, वो सब चीज़ें मैं करूँगी। तो जिस दिन जन्माष्टमी होगा और मेरा कैसे रहेगा डेकोरेशन वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इस साल का जो मेरा जन्माष्टमी का डेकोरेशन है कुछ ऐसा है, और अभी इसमें और भी कुछ बाकी है तो चैनल पर बने रहिएगा, शॉर्ट वीडियो मैं ज़रूर डाल दूंगी और देख लीजिएगा, कल तक आपके पास पहुँच जाएगा। क्योंकि देखिए मोर के बिना हमारी जन्माष्टमी अधूरी है, डेकोरेशन अधूरी है, तो मैं यहाँ पर दो मोर और क्रिएट करने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा आज का वीडियो तो कमेंट में बताइए, मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ सपोर्ट करिए चैनल को। तो चलिए, अभी तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, और मैं मिलती हूँ आप सबों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी।